आज के लेसन में हम अपने वेबसाइट के लिए लोगो क्रिएट करना सीखेंगे। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ पे काम कर सकते हैं और वो इजीली लोगो क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ पे काम नहीं कर सकते और उनको लोगो क्रिएट करना नहीं आता। तो वो कैसे लोगो क्रिएट करेंगे और जो फोटोशॉप पे लोगो क्रिएट करेंगे वो कैसे करेंगे, आज के लेसन में हम इन दोनों चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने मेरे फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ की वीडियो नहीं देखी तो जरूर मेरे फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ की वीडियो देखें, उसमें मैंने कंप्लीट लोगो और इससे रिलेटेड जितने भी कोई टेम्पलेट्स हैं, पॉम्फलेट हैं, बैनर्स वगैरह सारी चीजें क्रिएट करना सिखाई है। तो मेरे ग्राफिक डिजाइनिंग में कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप दोनों का कोर्स जरूर देखिए अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं या आप ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप मेरी इन वीडियो को जरूर देखें। लोगो क्रिएट करने के लिए मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूं, तो यहां पे देखें तो मेरे जो थीम है बिज प्रेस नाम से मैंने एक थीम यहां पे ऐड किया था, तो इसका अपने यहां पे लोगो लगा हुआ है। तो इसकी जगह मैं अपना लोगो रिप्लेस करना चाहूंगा, तो अपने लोगो कैसे रिप्लेस करना है, कैसे उस पर काम करना है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग जिन लोगों पास फोटोशॉप नहीं आई है, जो फोटोशॉप पे काम नहीं करते, तो उनके लिए कुछ वेबसाइट है जिनकी मदद से हम लोगो क्रिएट करेंगे, जिनमें फ्री लोगो मेकर एक वेबसाइट है। फ्री लोगो मेकर जब भी आप यहां पे विजिट करेंगे logomaker.com, इसका URL logomaker.com MAKR.com, और यहाँ पे जो ही आप साइट को एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक वीडियो आ जाएगी। आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो में डिटेल से समझाया गया कि आप लोगों कैसे इसके अलावा यहाँ बाय क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लोगो आपको बताता हूँ आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लोगो के लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक करके ब्राउज ऑल लोगो पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें काफी सारे लोगो आइकन यहाँ पे दिए हुए, आप यहाँ से कोई भी आइकन सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको यहाँ पे देखें काफी सारे यहाँ पे आइकन दिए हुए, आप यहाँ से कोई भी आइकन सिलेक्ट करें, उसका कलर चेंज करें और लोगो क्रिएट करें। तो उसके लिए आपको वीडियो जरूर देखें, उस वीडियो पे कंप्लीट डिटेल से समझाया गया कि आप लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कोर वेबसाइट है जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिजाइन मैनेटिक एक वेबसाइट है, इसके लिए आपने यहाँ पे एंटर कंपनी नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंपनी नेम देता हूँ वर्चुअल एकेडमी, इंडस्ट्री यहाँ पे सिलेक्ट करें चाइल्ड एंड एजुकेशन है, और शो माई डिजाइन, तो यहाँ पे बने बनाए डिजाइन है, टेम्पलेट्स हैं, हजारों के हिसाब से डिजाइन है। देखें आपको जो भी यहाँ से अच्छा लगता है आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं तो और लोगो अच्छा नहीं है तो मैं नहीं समझता कि आप कि वो वेबसाइट अच्छी होगी, लोगो अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें काफी सारे यहाँ पे लोगो लगे हुए हैं, आपको जो भी लोगो अच्छा लगता है, आप जो भी लोगो चाहते हैं कि वो ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे देखें तो काफी सारे लोगो, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लोगो मुझे सही लगा, मैं ये वाला ऐड करना चाह रहा हूँ, तो आप ये ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत चीज है, लोगों के अलावा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मेरी तो बेस्ट साइट है यहाँ के वाली जिससे आप लोगो ले सकते हैं, लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो इनको सर्च करें, बहुत ज्यादा लोगो पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लोगो है, इसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ आप यहाँ पे सिंबल भी कर सकते हैं, आप अल्फाबेट्स के जरिए भी आप लोगों को सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करें तो इसके साथ और भी काफी सारी चीजें हैं, इसमें आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे आ गया, इस साथ कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से सारे काम कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपनी साइट से रिलेटेड कलर देना चाह रहे हैं, आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद आप एड टू विशलिस्ट पे क्लिक करें या डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये आपसे कुछ पेमेंट मांगेगा, आपने वो पे करना पड़ेगा आपको, तो तब जाके मिलेगा। देखें अब बिजनेस कार्ड डिजाइन इसके साथ आ गया, अब यही लोगो भी आपको मिल गया, इसी लोगो से इसी कलर से कॉम्बिनेशन से बनता हुआ आपको बिजनेस कार्ड भी यहाँ से मिल जाता है। और आप यहाँ से कोई भी बिजनेस कार्ड भी सिलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ,
एक वेबसाइट से आपको काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, लोगो, बिजनेस कार्ड, देख सकते हैं ये बिजनेस कार्ड आ गया, और यहाँ पे ये भी ठीक है, इसको भी डाउनलोड पे क्लिक करें। आपने साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद आपसे कुछ पेमेंट मांगेगा, आपने वो देने, बहुत कम पेमेंट होती है, तकरीबन 1500-1600 रुपया पाकिस्तानी बनता होगा, तो कोई भी इतना ज्यादा ये पैसे नहीं है, अगर आपको अच्छा लोगो चाहिए और साथ में आपको विजिटिंग कार्ड भी मिल जाता है। इसी तरह यहाँ पे एक और साइट है आपके पास, ऑनलाइन लोगो मेकर .com, इस पे आपने स्टार्ट लोगो मेकर पे क्लिक करें, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखें तो इसके भी ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने लोगो कैसे क्रिएट करना है। इसके यहाँ पे सिंबल है काफी सारे, ऐड सिंबल पे क्लिक करें, और यहाँ पे देखें काफी सारे यहाँ पे सिंबल है इसके साथ, और यहाँ पे सिंबल आपने कौन सा लेना है, बिजनेस है, एजुकेशन से रिलेटेड लेना है, देखें एजुकेशन से रिलेटेड लेना है, क्लिक करें, यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड आपका सिंबल आ गया। आप यहां से कोई भी सिंबल सिलेक्ट करें, ये सिंबल आ गया, इस सिंबल को आप यहां से इस सिंबल को डिलीट करना चाह रहे हैं, यहां से डिलीट कर दें, इसको यहां से डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर दें, इस तरह और भी सिंबल आप ऐड करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, टेक्स्ट को यहां पे ऐड करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, तो आप यहां से भी लोगों के लिए कर सकते हैं। और जो लोग पैसे नहीं देना चाह रहे, लोगों के लिए फ्री काम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फोटोशॉप, फोटोशॉप बेस्ट सॉफ्टवेयर है लोगो क्रिएट करने के लिए, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ तो है ही वेक्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, उससे सिर्फ लोगो या इस तरह के वेक्टर डिजाइन आप कर सकते हो, और बेस्ट सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ। तो मेरी आप वीडियो देखें कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप की, और आप इजीली लोगो क्रिएट कर सकेंगे। लोगो क्रिएट करने के लिए मैं फाइल पे जाता हूँ, सबसे पहले आपने साइज देखना है लोगो का, कि लोगो का साइज कितना है, उसके लिए आप यहाँ पे देखें तो बेस्ट बेस्ट थीम में आप राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आगे देख सकते हैं सिलेक्ट, आप इस पे क्लिक करें और आप लोगों को सिलेक्ट कर लें। जो भी लोगों पे को सिलेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर देखें आपके पास यहाँ पे लोगो आ गया है, जो इसके ऊपर जो पॉइंटर लेके जाते हैं तो इसका साइज आपको यहाँ पे दे दिया, इसमें कितना साइज है इसका, तो इसका जो साइज है लोगो का वो है 407x85 पिक्सल इसका साइज है। तो आप यहां से देखें साइज भी आपको मिल गया, या फिर यहाँ पे पिक्सल से नेचुरल पिक्सल जो है 479x100 है, यहाँ पे देख सकते हैं 479x100, तो यहाँ पे देखें तो आपको ये मिल गया। यहाँ से आप दोबारा यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखें तो 407x14x अब 407.14x85 इसका साइज है। अब आपने एग्जैक्ट अगर यही साइज रखेंगे तो जब आप अपना लोगो यहाँ पे प्लेस करेंगे तो बिल्कुल इतना ही साइज रहेगा लोगो का, और बिल्कुल यहाँ पे सही एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बड़ा साइज आप चाहते हैं कि लोगो थोड़ा सा बड़ा हो, से थोड़ा बड़ा हो तो सही तरह से नजर आए, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, और लास्ट टाइम स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं यार कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट साइज ही रखना है, तो मैं अगर यहाँ से लोगो लास्ट टाइम बाहर निकल आता है या बड़ा हो जाता है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो ये भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं एक ऐसा लोगो बनाता हूँ जो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो, और जो जिसकी सेटिंग करनी पड़े, अगर वो एडजस्ट हो जाता है ठीक है, अगर नहीं होता तो उसकी सेटिंग करनी पड़े, और अगर एडजस्ट नहीं भी होता या एडजस्ट हो भी जाता है फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैं साइज रखूंगा अपने फोटोशॉप पे लोगो का, जो साइज रखूंगा उसके लिए मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ। आपने हमेशा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेना है। फोटोशॉप जिनके पास नहीं है वो इंस्टॉल कर लें, या फिर मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, फोटोशॉप CC आप यूज करें, CC में मैंने काम सारा करवाया हुआ है, तो लेटेस्ट कोई भी सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो आप ले लें मार्केट से, या फिर नेट से आप सर्च कर लें, कहीं से आपको डाउनलोड आपको मिलता है सॉफ्टवेयर, तो आप वहां से डाउनलोड कर लें, और फिर उसका क्रैक ढूंढ के उसको क्रैक करना सीखें, या फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मेरे पास जितने भी सॉफ्टवेयर जो मैं अगर लिंक देता हूँ या कहीं पे अपलोड करता हूँ वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि ये इलीगल तरीका है कि सॉफ्टवेयर जो तो अपने किसी भी अकाउंट में डाल के उसका लिंक दे देना, तो ये रिमूव हो जाते हैं सॉफ्टवेयर पास टाइम। तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा बाद में, जब आप मेरे फोटोशॉप की वीडियो देखें तो उसमें लिंक भी दे दूंगा मैं, और
सही जो तरीकाकार है वो ये है कि आप कहीं से भी किसी मार्केट से फोटोशॉप सीसी सॉफ्टवेयर ले लें और उसको इंस्टॉल कर लें। साइज देना है जो विड्थ इसकी देनी है, विड्थ में इसको यहां पे देता हूं। आप वहां पे जो विड्थ थी वो तकरीबन क्या थी देख लेते हैं दोबारा। यहाँ पे जो इसकी विड्थ थी वो कितनी थी और हाइट कितनी थी? ठीक है 407 इसकी विड्थ और हाइट 85 है। मैं इसे बड़ी रखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी विड्थ रख देता हूँ जी 400 और हाइट 120 रख देता हूँ, ज्यादा हाइट रख लेता हूँ 120 पिक्सल पिक्सल, और रेजोल्यूशन आप इसको 300 देते हैं। और यहां से बैकग्राउंड जो है तो ट्रांसपेरेंट रखने और इसको ओके थोड़ा सा जूम कर ले, कंट्रोल और प्लस को आप प्रेस करें और जूम कर ले। नॉर्मल सा मैं लोगो बनाऊंगा, इतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फॉर एग्जांपल 60, मैं फॉर एग्जांपल 60 डेज ट्रेनिंग के लिए एक लोगो क्रिएट कर लेता हूँ। फिर उसको सेंटर में रखें और यहाँ पे फिट टेक्स्ट लें, यहाँ से कोड लेयर बन जाएगी। यहाँ पे देखिए वन लेयर आ गया और एक और डेज करता हूँ कोड लेयर बन जाए 60 डेज। फिर यहां से टेक्स्ट लेता हूँ वर्डप्रेस ट्रेनिंग, यहां से टेक्स्ट लेता हूं और इस सारे के सारे को सिलेक्ट करता हूँ, साइज का थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहां से। ओके अब यहां पे क्या करना है कि स्टाइल इनके थोड़े से चेंज करने, अब मैं यहां से राइट क्लिक करके 60 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको जो मैंने स्टाइल देने फॉर एग्जांपल स्टाइल और कलर दोनों हमने चूज करने हैं। सबसे पहले स्टाइल आपने लेना है तो स्टाइल के लिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको स्टाइल दे देता हूँ बल्कि स्टाइल ठीक है, इसको यहां से स्टाइल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सर्च करें काफी सारे स्टाइल आपको मिल जाएंगे। सही है डेज का स्टाइल, इसको भी आपने चेंज करने तो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 60 आ गया तो इसका जो मैं यहाँ पे 60 है इसको यहाँ पे आप चाहें जाके आप ब्लीडिंग ऑप्शन में जाएं, इसके ऊपर आपने देना जी कलर अवेलेबल कर ले। इसका कलर कौन सा होना चाहिए इसके लिए मैं देखें यहां से साइज मैं छोटा कर लिया इसका, यहां से आप साइज छोटा कर ले और यहां पे अगर आप देखें तो इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब इससे मैचिंग आपने कलर लेना है जैसा आपका यहाँ पे थीम है, थीम से रिलेटेड कलर लेना है तो यहाँ पे ब्लैक दिया हुआ है ऊपर येलो यहाँ पे देखें इस तरह का कलर दें ताकि आपको जो है तो अच्छा बाद में आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो कलर चूज करने का क्या तरीका कर रहे हैं, आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आपका मेन्यू है होम अबाउट जो भी है, येलो सा कलर है इसका, तो साइज बढ़ा लेता हूँ ये सही है इतना। और यहाँ पे जो है तो आपने क्या करना है कलर ओवरले पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे आपका ये आ गया, आई ड्रॉपर टूल ऑटो एडजस्ट हो जाता है, कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट कर लें। सिक्सटी आ गया, यहाँ पे देखें कलर्स पे लग गया, यहाँ पे जाके आप दोबारा ब्लीडिंग ऑप्शन में जाए तो ड्रॉप शेडो देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ड्रॉप शेडो पे क्लिक करें, हल्का सा शेड देना इसको और यहाँ पे ड्रॉप शेडो में इसकी जो शेड का डिस्टेंस उसको आप कर लेंगे 3।
सही, कलर चेंज करने हैं बेशक, व्हाइट करना है, शेडो का ब्लैक करना है, तो अपनी मर्जी। उसके बाद डेज, डेज को मैं यहां से सिलेक्ट करता हूँ और यहां पे लिख जाता हूँ डेज जो है, तो इसको मैं 60 के नीचे रख देता हूँ। सिक्सटी डेज कर सिक्सटी जो है इसको आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करके इसका साइज अब थोड़ा सा बढ़ा दें। यहाँ पे राइट क्लिक करके डेज है तो कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज थोड़ा सा कम कर लें। इसका कलर, इसका साइज के बाद इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लें। यहां से सेलेक्ट करें स्टाइल जो है, तो यहां से आप ये कंट्रोल टी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, सही। और वर्डप्रेस ट्रेनिंग जो है इसको यहां पे रख दें, और वर्डप्रेस ट्रेनिंग जो है इसको राइट क्लिक करें वर्डप्रेस ट्रेनिंग, और इसको यहां पे ऐसे यहां पे एडजस्ट कर लें 60 डेज वर्डप्रेस ट्रेनिंग। डेज को राइट क्लिक करता हूँ और ग्रेडिंग ऑप्शन में जाके इसको भी हल्का से शेडो दे दें, ड्रॉप शेडो दे दें, और वर्डप्रेस ट्रेनिंग को राइट क्लिक करें और इसको भी, इसका कलर आपने ब्लैक रखने, ब्लैक रख लें, आपकी मर्जी, आप जो भी कलर रखना चाहते हैं। मैं यहाँ से ग्रेडिंग ऑप्शन में जाता हूँ और इसका जो है तो ड्रॉप शेडो दे देता हूँ। ओके, तो तकरीबन सही है, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है लोगो। आपने और भी अगर कोई प्रोफेशनल लोगो बनाने हैं या देखने के प्रोफेशनल लोगों कैसे क्रिएट की जाते हैं, तो आप मेरी वीडियो को देखें वर्कशॉप की, मैंने उसमें डिटेल समझाया है। तो मैं इतना ज्यादा लेंथी नहीं जा रहा, क्योंकि जो है तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है, अगर मैं ज्यादा आपको डिटेल से हर चीज समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है, तो मैं नहीं चाहता कि इतनी ज्यादा लेंथी वीडियो और आप बोर हो जाए। सेव फॉर वेब पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट, जब लोगो बन जाए तो अपने फाइल में जाना है और सेव फॉर, यहां से आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और सेव फॉर वेब पे क्लिक करना है। ये आपके पास लोगो आ गया, इसका चेंज करना है, इसको रोटेट करना है, हर काम आप कर सकते हैं। उसके लिए आप देखें यहां से रोटेशन अगर आपने देनी है इसको, डेज को या किसी भी चीज को, कंट्रोल टी प्रेस करके आप ऊपर से यहां से रोटेशन दे सकते हैं, रोटेशन दे सकते हैं, कुछ भी आप करना चाहें तो आप यहां से कर सकते हैं। फाइल, और यहां से मैं जाता हूँ जी एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, सेव डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ इसको मैं लोगो के नाम से सेव। तो ये जी आपका लोगो क्रिएट हो चुका है। अब इन चलो नेक्स्ट लेसन में हम लोगो को ऐड करना सीखेंगे कि आप अपने जो है तो किसी भी अपनी वेबसाइट में लोगो को कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। सेव करना तो यस करके सेव कर लें, अगर आपने बाद में चाहते हैं चेंजिंग आपने करनी है तो सेव कर लें, मैं नहीं सेव करना चाह रहा, नो। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेसन में हम लोगों को ऐड करना सीखेंगे और इस बिज प्रेस थीम में जो ये आपके पास बिज प्रेस है लोगो, इसको हम रिमूव करना सीखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।